क्या क्वेश्चन था बेटा? सर, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग डिजिट 9? बस इतना सा था। यस सर। तो 3 डिजिट नंबर बनेंगे, डिजिट डिजिट डिजिट, विदाउट नंबर 9। यस सर। कितने डिजिट होते हैं? सर 0 to 9 कितने होते हैं? टेन कौन सा डिजिट नहीं यूज करना है? नाइन कितने बचे? नाइन ही करना, तो नाइन ही नौ बचे। ही बचे ना, 0 से 8। ठीक है, तो यस 9 डिजिट थे। अब बेटा आप कहोगे ये वाला डिजिट जो है इसमें हम 0 to 8 ही यूज कर सकते हैं, तीनों डिजिट में, है ना? 9 ही डिजिट यूज कर सकते हैं, मतलब पहले तो ये यस सर। रिस्ट्रिक्शन है। दूसरी रिस्ट्रिक्शन बेटा ये है कि अगर ये 0 हो गया, पहला डिजिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ही अगर 0 हो गया, तो ये डिजिट चाहे जो मर्जी हो, ये आपका 2 डिजिट नंबर ही बन जाएगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन तो आपकी है ही है कि ये 0 हो ही नहीं सकता। 3 डिजिट बनाने के लिए यस इसका सर। कम से कम 1 होना तो जरूरी है। तो इसमें जो हमें 8 तरीके हैं हमारे पास, यस सर। 1 to 8, बाकी अगर ये 1 हो गया तो ये चाहे 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 9 तरीके हैं हमारे पास, इसके भी 9 तरीके यस सर। हैं। तो बेटा इतनी सी बात थी बस। मैंने ऐसे ही किया है बेटा आपने नहीं ऐसे किया है। सर। मेरा आंसर आया 576। यस 576? इसका 576 आ ही नहीं सकता आंसर ना। अच्छा सर। अच्छा ठीक है, मैंने लास्ट में 8 यूज किया है नाइन हाँ जी, की जगह। वो 8 क्यों यूज तो किया है वो सर मुझे पता नहीं है। आपने ये बिल्कुल सही किया है, ये बिल्कुल यस सही सर, किया है, ये क्यों 8 किया है नहीं समझ आया। क्योंकि सर मुझे लगा कि पहले पे तो 0 आएगी नहीं, तो हमने 8 डिजिट यूज किए, तो सेकंड पे हमने 9 नहीं करना था, लेकिन हमारे पास 0 था तो हमारे पास 9 डिजिट थे, तो इसलिए 8 मैंने इसलिए यूज किया कि ऊपर हमारा 1 डिजिट लग गया ना। अच्छा, रिपीट तो कर ही सकते हैं बेटा, उसमें क्या है, वन ओके वन सर। वन भी तो कर ही सकते हैं ना, कर ही सकते हैं, दोबारा यस रिपीट भी सर। तो कर ही सकते हैं ना। ठीक ओके है, सर। यस सर। इस वजह से ही बस आपके नंबर कट गए हैं। और मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आपके नंबर पूरे भी काट ले कोई, तो आप उसको नहीं कह सकते यस आपने इसको सर। कैसे काटा है। ये फिर आप सामने जो चेकर है उसके ऊपर ही है कि वो आपको नंबर दे फॉर्मूले के, आपके अटेम्प्ट के या नहीं। ठीक है, या वो बाइनरी चले 0 और ऑल। और चलो, आई गेव यू 6 मार्क्स फॉर दिस फॉर योर 1 मिस्टेक, 4 मार्क डिडक्टेड। यस सर। और उसने तो, हरिंदर ने तो यहाँ पर ही गलती कर दी थी, सो डिडक्टेड सम मोर, 14 मार्क्स इसके आएंगे। चलो आगे करें। यस सर। तो वी वर डूइंग परम्यूटेशंस आई गेस, है ना? यस सर। यस आज सर। परम्यूटेशंस को हम कंप्लीट करते हैं। पहले तो इट वाज कहाँ पे था परम्यूटेशन, सारे थे। कितने क्वेश्चंस कहाँ तक कर लिए थे हमने? सर एग्जाम्पल 5 तक कर लिए थे, 5.6 कर लिया था। ओके 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 ओके। तो परम्यूटेशन, अब अगला टॉपिक आता है परम्यूटेशन विद रिस्ट्रिक्शंस। परम्यूटेशन विद रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है कि लेट अस सपोज कि कुछ आपके मटेरियल दिए हुए हैं, लाइक एन एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और यस सपोज इसमें से बोला गया है कि कुछ तो आ ही नहीं सकते हैं। सर। मतलब कह सकते हैं हम कि आपके 4 ऑब्जेक्ट जो है, 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको चुना नहीं जा सकता।
तो उसको बोलते हैं परमुटेशन विद रिस्ट्रिक्शन। इज दैट ओके? यस मैं एक और तरीके से आपको बताता हूँ। लेट अस से मैं कहता हूँ कि 15 प्लेयर हैं मेरे पास, ठीक है, और 11 की टीम बनानी है मुझे। तो आप तो सिंपल परमुटेशन यही लगाओगे ना, 50 की 11। अगर मैं कहूँ 2 प्लेयर इंजर्ड है, वो तो चुने ही नहीं जा सकते आप, तो अब आपके 15 माइनस 2 11 हो जाएंगे। इज दैट ओके? यस सर, करें आगे? यस सर। एक और क्वेश्चन होता है, एक पर्टिकुलर टाइप होती है, जो जब आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसमें ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, एन माइनस पी परमुटेशन आर माइनस पी, मतलब दोनों से वो चीज निकाल के मल्टीप्लाई बाय आर पी, और यहाँ पर भी पी, सॉरी नीचे भी पी, ठीक है। तो अभी मैं यस बताता सर, हूँ, जब जब ये क्वेश्चन आएगा, तो आपके 7th एग्जाम्पल है, इन हाउ मेनी वेज 5 डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर बुक्स, ठीक है, 5 माइक्रो प्रोसेसर बुक हैं आपके पास और 4 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की 4 बुक हैं। बी अरेंज्ड इन अ शेल्फ सो दैट ऑल द 4 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स आर टुगेदर, ठीक है। यस सर, कितने तरीके होंगे कि 5 माइक्रो प्रोसेसर बुक और 4 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बुक आपने करनी है, और हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये विद रिस्ट्रिक्शन है। अब उसने रिस्ट्रिक्शन क्या डाल दी है कि 4 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक जो है वो सारी साथ में आएंगी, ठीक है। यस सर, तो अब ये आप मान, ये चारों अगर आएंगी साथ में, एक साथ एक इकट्ठी आएंगी अगर, तो हम इनको एक ही क्यों ना मान लें, ये एक ही है, मान सकते हैं ना, ये यस हमारी एक ही है ना। तो सर, अब यस हम हमारे पास एक तरीके से अब 6 किताबें हैं, सिर्फ 6 किताबें हैं, 6, ठीक है। यस सर, परमुटेशन, परमुटेशन कितनी पिक करनी है हमने, सर ए सभी फोर, लगा लिए, सभी लगानी है बेटा, सभी लगानी है, तो 6P6 ओके ही सर, होगा ना। 6 किताबें अब हमारे पास एक तरीके से हैं और 6 की 6 लगानी है। एक और यस बेटा, सर, अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला दिखाया है ये वाला, इसमें अब कितनी किताबें हैं, ये 4 किताबें हैं। अब ये 4 किताबें में तो बेटा हो सकता है 4 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक है, एक DE1 है, एक DE2 है, एक DE3 है, एक DE4 है, ये चारों भी जब एक साथ लगेंगी, चारों भी एक साथ लगेंगी, तो इनमें से भी कोई एक बुक पहले आएगी, फिर दूसरी बुक दूसरे नंबर पे आएगी, तीसरी बुक तीसरे नंबर पे आएगी, चौथी बुक चौथे नंबर पे आएगी, तो ये 4 किताबें भी तो हमने अरेंज करनी है ना, है ना। यस इट सर, यस सर, विल बी 6 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, ऑब्वियसली सर सिक्स ये माइनस सिक्स सिक्स वाला बताना दोबारा, ये सिक्स, यस सर, ये 6 दोबारा बताऊं, नीचे वाला ऊपर वाला, दोनों बेटा सर, 5 किताबें हैं आपकी माइक्रो प्रोसेसर की, 4 किताबें हैं आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। अब वो कह रहा यस है सर, कि आपने इसको शेल्फ पे अरेंज करके रखना है, और इस तरीके से अरेंज करना है कि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक है ना, वो चारों की चारों एक साथ आए, एक यूनिट होंगी वो एक तरीके से। बेटा आपके जैसे 2 सब्जेक्ट हैं, डाटा स्ट्रक्चर की बुक और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की बुक मान लेते हैं, तो आपके पास 4 डाटा स्ट्रक्चर की बुक है, 4 डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की बुक है। अगर मैं कहूँ डिस्क्रीट डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की चारों किताबें ना एक साथ पढ़ी होनी चाहिए, एक के बाद एक, उनके बीच में कोई डाटा स्ट्रक्चर की बुक नहीं पढ़ी होनी चाहिए, तो आप तो यही करोगे यस ना, चारों का बंडल ही बना लोगे एक तरीके से, कि 4 इकट्ठी रहे, है ना। यस सर, तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं, इसका एक बंडल ही बना लिया एक। अब एक तरीके से हमारे पास 6 किताबें रह गई, एक बंडल और 5 किताबें, 6 चीजें ही रह गई ना यस अरेंज करने के सर, लिए, तो यस सर, इसलिए यस इसलिए सर, बेटा ये 6 आया, और सभी को डालना है इसलिए 6P6। और अगर जब सभी को डालना होता है ना, तो आप सिक्स ओके सर, फैक्टोरियल भी लिख दो सीधा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये 6P6 को छोड़ ही दो जाए, क्योंकि
अल्टीमेटली ये 6 माइनस 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल ही बनना है, 0 फैक्टोरियल मान होता है। तो आप सीधा 6 फैक्टोरियल भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सभी के सभी यूज करने हैं आपने। ठीक है, एनपी एन जब होता है ना तो इसको आप सीधा एन फैक्टोरियल लिख सकते हो। गॉट इट बेटा? गॉट इट बेटा? आपकी आवाज कट गई थी सारी। ये एनपीएन पता लग गया ना। यस सर। एनपीएन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल आप सीधा लिख सकते हो। हेलो, हाँ जी सर, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुको। स्क्रीन दिखाई दे रही है? नो नो सर। no? तो ये देखो, एन पी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल पता लग गया ना बेटा। अब बस इसको सॉल्व ही करना है हमने, यस बस। सर। और हमारा आंसर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल जो होता है 720, 4 फैक्टोरियल यस सर। जो होता है 24। तो 720 × 24 कैलकुलेटर यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस क्वेश्चन सर। समझ में आया? विद रिस्ट्रिक्शन ये फॉर्मूला भी समझ में आया, फॉर्मूले में क्या किया हुआ है हमने? यस सर। हमारा एन क्या था, कितनी किताबें थी असल में? 5 इसकी थी, 4 इसकी थी, एन हमारा 9 था ना, है यस सर, टोटल नो थे। ना? और आर भी ऑब्वियसली सारी बुक्स रखनी थी, तो आर भी 9 था हमारा, है ना? यस सर। और हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई थी? सर मतलब पूरा बंडल बना के हम उसको हमने एक माना था, तो 4 का बंडल बना के नाइन। उसको एक बनाया, मतलब 3 हमारे गायब हो गए, यस 3 सर। यस सर। गायब हो गए ना। यस सर। हेलो। यस सर। नहीं, इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगा है, इसमें अलग फॉर्मूला लगा है। हाँ, ये बंडल वाले में अलग क्वेश्चन का फॉर्मूला लगा है। ठीक है, तो यहां तक ये क्लियर है? 4 का एक बंडल, 5, 5 + 1 6, 6 का ये हो गया और 4 का अलग से बंडल बना दिया, 4 की परमुटेशन अलग से कर दी है। इज दैट ओके? आगे बढ़े, चलो यस सर। अगला क्वेश्चन करते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी परमुटेशंस कैन बी मेड आउट ऑफ लेटर कंप्यूटर? तो ये लेटर है बेटा और इसके वर्ड्स यूज करने हैं हमें, कंप्यूटर, और ऑब्वियसली कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है। तो हाउ मेनी ऑफ दीज बिगिन विद सी, मतलब सी से शुरू होने वाले कितने शब्द बन सकते हैं? सी से शुरू होने वाले बड़े कितने शब्द बन सकते हैं? रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लग गई ना, एक ही। यस सर। कितने टोटल शब्द कितने हैं, लेटर कितने हैं? कितने हैं? सर सी के टोटल 8 एट है, 8 लेटर है ना, है। उसमें यस से सर। ये फिक्स हो गया कि सी पहले आएगा, बिगिन विथ सी। तो कितने यस लेटर बचे हैं अब? 7। 7। सातों के सातों यूज करने हैं हमने, है ना? यस सर। तो अब देखो, देखते हैं 7 फैक्टोरियल का जो आंसर आएगा उतना हमारा आंसर आ जाएगा। 7P7 ही होगा ना, 7 फैक्टोरियल। यस सर। तो सी से शुरू होने वाले शब्द इतने होंगे। अच्छा, आर से एंड होने वाले, आर से एंड होने वाले इन वर्ड्स को यूज करना है आपने, और आर से एंड होने वाले कितने वर्ड बनेंगे बेटा? आर से एंड होने वाले कितने बनेंगे बेटा? सर अगर सर स्क्रीन गायब होगी। इन गायब हो गई? नहीं बेटा, दिख रही है। हाँ सर है। सर अभी हमने ऊपर एक यूज कर लिया सी, तो हमारे पास ऊपर 6 बचे होंगे ना। नहीं बेटा, 7 बच, ये 8 हैं टोटल।
आठ ही है सर। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। उसने कहा एंडिंग विद आर, सिर्फ ये कहा है एंड विद ओके आर। सर, ये भी 7 ही होगा फिर, 7। बिल्कुल 7। तो 7 फैक्टोरियल जो भी आंसर आएगा, यस सर। 720 × 7 होगा, जो भी इसका आंसर होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ओके तीसरा क्वेश्चन है, अब है बिगिनिंग विद आर, बिगिनिंग विद सी एंडिंग विद आर, तो ये कितने वर्ड होंगे बेटा? सर 6। बिल्कुल, सी कंफर्म है शुरू में ही आएगा, आर कंफर्म है एंड में आएगा, और बीच में 6 लेटर आ यस सकते सर। हैं, तो 6 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। ओके और चौथा और इम्पोर्टेंट आखिरी क्वेश्चन, सी एंड आर ऑक्यूपाई एंड प्लेसेस, ठीक है ये समझ में आया क्या होता है ऑक्यूपाई एंड प्लेसेस? तो बताओ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे बेटा? सी एंड आर ऑक्यूपाई एंड प्लेसेस। एंड प्लेसेस का मतलब क्या होता है बेटा? मिनट। एग्जाम्पल नहीं देखनी है हमने, मतलब सॉल्व सॉल्यूशन नहीं देखना है उसका। नहीं नहीं सर, नहीं देख रही, इसको देख रही हूँ फोन वाला। सर बोलो बेटा। एंड प्लेसेस मींस कि ये वाले जो आए हैं हमारे। नहीं बेटा, जो कोने में लगेंगे आपके, एक्सट्रीम शुरुआत, मतलब सी या तो शुरू में आएगा या सी एंड में आएगा, आर या तो शुरू में आएगा या आर एंड में आएगा, ठीक है? यस बाकी के सर। 6 लेटर। एंड प्लेसेस का मतलब है कोने वाले प्लेसेस, शुरू और एंड वाले, ठीक है? तो ये 6 फैक्टोरियल हो गए, बीच में जो आपके छह यस सर। लेटर तो बचे। और बेटा सी जो ये है सर वो ये शुरू में भी दो आ है। हाँ, और सी जो शुरू में भी आ सकता है एंड में भी आ सकता है, तो ये प्लेस भी भरना है, तो दो तरीके से भरे जा सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल से यस साथ में सर। मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों प्लेसेस को दो तरीके से भर सकते हैं ना, एक प्लेस को दो तरीके से भर यस सकते हैं हम, तो 2 फैक्टोरियल ऑब्वियसली जो बचा हुआ लेटर होगा वो दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा, है ना? सी और आर में से चुनना है अगर हमने, तो दो तरीके हैं हमारे पास, यस और सर। जो बच गया वो यहाँ पर आ जाएगा, वो एक ही तरीका होगा फिर, है ना? यहाँ पे यस सर। वो आपको मल्टीप्लाई, एक को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली एनीथिंग मल्टीप्लाई विद वन विल बी वन। आगे करें, अगला अगला यस बेटा सर। है, अगला है बेटा है परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब कि तब परमुटेशन लगानी जब सभी के सभी ऑब्जेक्ट जो है वो सेम ना हो। तो इसका फॉर्मूला ये है बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला है, एन फैक्टोरियल अपॉन सॉरी n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल सो ऑन, मतलब जितने भी चीजें रिपीट हो रही हैं सारी आ जाएंगी। इज दैट ओके? यस सर। मतलब के लेट से एक क्वेश्चन ये सीधा देखते हैं, 10th एग्जाम्पल देखते हैं या 9th एग्जाम्पल पहले देखते हैं, so that you can relate to it। प्रोग्रामिंग एक वर्ड दिया हुआ है हमने, उसने कहा प्रोग्रामिंग वर्ड है, ठीक है? तो इसके लेटर्स को यूज करके, प्रोग्रामिंग के लेटर्स को यूज करके कितने बेटा वर्ड्स बन सकते हैं? इसके सारे लेटर्स यूज करने हैं, सारे कितने वर्ड बन सकते हैं? तो पहले तो काउंट करो कितने वर्ड हैं ये, सर कितने? 11। 11 है, ठीक है 11 वर्ड्स है, तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 11 फैक्टोरियल, है ना? लेकिन यस कुछ सर। वर्ड रिपीट भी हो रहे हैं, आप देखो जैसे आर है एक, ये देखो आर एक दो, दो बार आ रहा है, एम तो
जो चीज जितनी बड़ी रिपीट हो रही है ना, उसका फैक्टोरियल नीचे डिवाइड कर देना है। एम दो बार आ रहा है, अगेन दो जी फैक्टोरियल डिवाइड कर देना है आपने, ठीक जी है। उसके बाद जी भी दो बार आ रहा है, वो भी दो बार, दो फैक्टोरियल आपने डिवाइड कर देने हैं। और कुछ रिपीट हो रहा है आर नो जी एम सर के अलावा? नो, तो ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दो। नो गॉट इट? हो जाएगा सॉल्व। 11 इंटू 10 यस इंटू 9 इंटू 8, उसके बाद ठीक है, एंड सो ऑन, जाते जाते ये 3 आएगा और फिर 2 फैक्टोरियल आएगा फाइनली। नीचे आएगा 2 इंटू 1, ये 2 इंटू 1, और एक 2 फैक्टोरियल ही हम रखते हैं, वो कट जाएगा। ये देखो, ये 2 भी काट दो, 4 होता है यहाँ पर, उससे काट दो। तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर छोड़ना नहीं है, सॉल्व पूरा करना है। यू कैन यूज कैलकुलेटर फॉर दैट। तो एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, सिंपल था। ट्वेल्थ क्वेश्चन करें बेटा, या पहले 10th क्वेश्चन, मैं अभी सॉल्व में करा रहा हूँ, अपनी बुक में देख सकते हो आप। देयर आर 4 ब्लू 3 रेड एंड 2 ब्लैक पेन्स, ठीक है। ब्लैक पेन है बॉक्स में, तो टोटल कितने हुए? 4 3 7 2 9। दीज आर ड्रॉन वन बाय वन, सारे के सारे ना एक एक करके निकाले गए हैं। डिटरमाइन ऑल द डिफरेंट परमुटेशंस, कितनी परमुटेशंस हो सकती हैं, कितने तरीके से निकाला जा सकता है। तो टोटल तो 9 हो गए, तो 9 फैक्टोरियल तो ठीक है, 9 फैक्टोरियल, लेकिन ये सारे सेम नहीं है। 4 ब्लू पेन है तो 4 फैक्टोरियल, 3 हमारे रेड पेन है तो 3 फैक्टोरियल, और 2 ब्लैक है तो 2। तो अब पहले वाला ब्लैक निकल रहा है कि दूसरे वाला ब्लैक निकल रहा है, क्योंकि ब्लैक पेन तो ब्लैक पेन ही है, राइट। लेट से आपके पास हेलो ग्रिपर का पेन है, अगर वो ब्लैक कलर का है और आप निकाल रहे हो एक बॉक्स से, दो हम आपके पास पेन है, दोनों में से एक, ये दोनों निकाल रहे हो आप, तो कैसे पता चलेगा ये पहले वाला सेलो ग्रिपर है या दूसरे वाला सेलो ग्रिपर है? नहीं ना पता लगेगा। आपके नो सर लिए तो सेम ही है कि हाँ, पहले नंबर पे ये सेलो ग्रिपर निकला है ब्लैक वाला, यस दूसरे नंबर सर पे निकला है रेड वाला, लेकिन अब कौन सा रेड वाला निकला है, कौन सा ब्लैक वाला निकला है, पहला निकला है कि दूसरा, वो तो पता करना मुश्किल है, क्योंकि तो दोनों सेम ही यस लगेंगे, तो इसलिए डिवीजन करना जरूरी है, ठीक है बेटा। सर ओके, 12th क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी 7 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1727676? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देखो, 1727676, तो कितने लेटर हैं बेटा ये, कितने डिजिट हैं ये, सेवन तो क्या आंसर आएगा? है सर 7 फैक्टोरियल पहले सॉल्व करने के लिए उसके बाद, उसके बाद बेटा, सर 7 3 बारी है तो तो फिर 3 फैक्टोरियल आएगा और 6 2 बारी है तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। चलो, तो अब एक और चीज बेटा, अब अगला क्वेश्चन है आपका। अभी तक हमने ऐसा नहीं ना किया है कि कुछ चीज रिपीट नहीं कर रहे हैं, मतलब मैंने आपको जी कहा लब सपोज 4 ब्लैक पेन है, 3 रेड पेन है, 2 ग्रीन पेन है, लेट से, तो ये 9 के 9 निकाले हैं हमने, तो कुछ भी रिपीट नहीं कर रहे हैं हम, नथिंग इज रिपीटेड, है ना। तो यस सर सारे के सारे पेन एक एक करके निकालने हैं, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपने 5 पेन निकालने हैं, और जो पेन आप निकाल रहे हो वो वापस भी अंदर डाल सकते हो, फिर दोबारा निकाल सकते हो, अगर ऐसा मैं बोलूं तो। हेलो, हाँ जी सर यस सर यस समझ में आ रहा है बेटा ये चीज? सर यस सर हाँ, तो अगर मैं कहूं कि आप 5 पेन निकालने हैं, और जो पेन आप निकाल रहे हो वो वापस अंदर डाल रहे हो बॉक्स के, तो टोटल यस जैसे सर आपके ये 9 पेन हो गए, पहली बार सर वापस आप,
पहली बार आप 9 तरीके से पेन निकाल सकते हो जो पहली बार निकाल रहे हो, ठीक है। दूसरी बार वापस डाल रहे हो तो दूसरी बार भी आपके पास 9 तरीके ही हैं, क्योंकि आपने वापस डाल दिया है, निकाल के साइड में नहीं रखा है, बीच में बॉक्स में दोबारा डाल दिया, तो 9 9 9 ही रह जाएंगे बेटा हमेशा। ऐसे ही होगा ना, 9 9 तरीके ही रह जाएंगे ना, या जितने भी ये यस एन सर, एन तरीके हैं उतने ही रह जाएंगे। क्वेश्चन करिए आप इसके, फिर यस सर, मतलब एन 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 आपके आर टाइम्स चलेगा ये, इसको बोलते हैं विद रिपीट। और नॉर्मली ऐसे एक आधा क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट से एक वर्ड है, जैसे आपका नाम, नाम लेते हैं आपका, क्या नाम है बेटा संदीप आपका, स्पेल क्या है, मतलब जी। SAM SAMRIT, यस सर, SRI, RITI, ठीक सेवन है। तो अब ये कितने शब्द हैं बेटा, कितनी है है, ये, सेवन। सेवन, सेवन वर्ड, सेवन लेटर्स हैं आपके, ठीक है। तो आप बताओ अगर मैंने यस सर, सेवन लेटर वर्ड बनाना है तो कैसे बनेगा बेटा सेवन लेटर वर्ड, पहले तो ये बताओ। तो सेवन सेवन आएगा, सेवन सेवन, सेवन वरी सेवन आएगा। सेवन वरी सेवन आएगा, नहीं बेटा। पहले तो मैं क्वेश्चन आपको जो मैंने पूछा है, मैंने कहा है, मैंने रिपीट का तो बोला ही नहीं, मैंने बस ये कहा है स्मृति के वर्ड यूज करने हैं और सेवन लेटर वर्ड बनाना है, विद रिपीट नहीं बोला है मैंने, विदाउट रिपीट बोला है, पिछले टाइप का क्वेश्चन है। यस सर, बोलो, 7 फैक्टोरियल ठीक है, उसके बाद सर आई टू टाइम आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल। बिल्कुल सही, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3, ये सॉल्व करना है और आंसर आपका आ जाएगा 360 × 7 आंसर आ जाएगा। ओके, अगर मैं कहूँ रिपीट कर सकते हैं वर्ड को तो आप बताओ, अब मैं कहूँ अगर सर रिपीट कर सकते हो, पहला वर्ड मतलब सेवन लेटर वर्ड बनाना है आपने, ठीक यस सर, है, और आप रिपीट कर सकते हो तो कितने तरीके से बन सकता है बेटा, सर 7 टाइम, 7 × 7, आर यू श्योर ऐसा यस सर, होगा, दोबारा सोच लो एक बार, ऐसा कह रहे हो आप 7 × 7, दोबारा सोच लो क्या ये सही है। सर नहीं पता नहीं सर, बेटा एक ये गलत है। ओके, मैं आपको सीधा सीधा आपसे पूछता हूँ बेटा, पहला लेटर आपने चूज करना हो तो कितने ऑप्शंस है आपके पास, स्मृति वर्ड दिया हुआ है, पहला लेटर क्या क्या आ सकता मिनट है, बोलो तो सही कौन कौन से, सर, सेवन एस, सर, सेकंड भी मतलब चूज करना है। हाँ, मतलब कितने आपके पास ऑप्शंस हैं पहला लेटर पिक करने के लिए, एक तो एस है, एस आ सकता है, और यस सर, ए एम आई तो आ चुका है बेटा, ठीक आर आई टी आई, सर हाँ जी आई आ गया, रिपीट है ना, तो नहीं हो कितने रहा। वेज यस हैं, सर, 6 तरीके हैं बेटा, सिक्स, और रिपीट करूं अगर मैं तो वापस ये 6 तरीके ही होंगे, दूसरा लेटर के लिए भी यस 6 ही तरीके सर, होंगे, तो 6 × 6 × 6 × 6 × 6 होगा, ना कि सेवन, सिक्स, यस क्योंकि ये आई अलग है उस आई से, ये कैसे कह सकते हो, ऐसे थोड़ा ना को कि ये पहला वाला आई ये दूसरे वाला आई, आई तो आई है, यस सर, समझ गए, तो यस सर, 7 बार 6 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्लियर है, यस सर, यस सर, करें अब आगे। यस सर, तो एग्जाम्पल आप 13वीं एग्जाम्पल आप देख ही सकते हो, खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। मैं आपको एक यस एक 15th एग्जाम्पल करवाता हूँ, 13th और 14th बहुत आसान है, 14th मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, हाउ मेनी टू डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1 3 4 6 8,
टू डिजिट आपको कौन कौन से दिए हुए हैं? वन वन थ्री थ्री फोर फोर सिक्स एट। और अब वो कह रहा है कि टू डिजिट इवन नंबर बनाने हैं और रिपीटेशन अलाउड है। और अगर आपको एक्सप्लिसिटली बोला नहीं ना गया कि रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है, मतलब अलाउड नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं ना बोला गया, कोई रिपीटेशन के बारे में कुछ नहीं ना बोला गया है, तो मतलब नो सर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर आपको एक्सप्लिसिटली बोला गया है कि रिपीटेशन अलाउड है तो ही रिपीटेशन अलाउड है, क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है? अदरवाइज आपने मान के चलना है कि रिपीटेशन नहीं अलाउड है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। तो अब बताओ, इनमें से दो डिजिट के हमने बनाने हैं इवन नंबर, तो कैसे बनेंगे? इवन नंबर बनाने हैं, सर इवन नंबर 4 और 6 है। अच्छा दो डिजिट का इवन नंबर बनाना है बेटा। दो डिजिट का इवन नंबर में क्या खास बात होती है? दो डिजिट के इवन नंबर में क्या खास बात होती है? कोई प्रॉपर्टी होती है उसकी जिससे आप कह सको कि हाँ, सारे के सारे दो डिजिट के इवन नंबर है ना, उनमें ये चीज कॉमन है। थोड़े सर से टू टू का इवन डिफरेंस टू टू का डिफरेंस होता है। नहीं, डिजिट वाइज कोई 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 प्रॉपर्टी होती है डिजिट वाइज, मतलब इस डिजिट की कोई खास बात या इस डिजिट की कोई खास बात, जो दो डिजिट के इवन नंबर में होती है। यस हाँ, थोड़े से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। 10 होता है, 12 होता है, 14 होता है, 16 होता है, 18 होता है, 20 होता है। ये 2 के टेबल पे आते हैं, तो इस एक तो इसमें 2 2 का डिफरेंस, और ये 2 के टेबल पे आते हैं। बेटा डिजिट डिजिट वाइज कोई, वो तो पूरे नंबर का बोल रहे हो ना, पूरे नंबर में ये प्रॉपर्टी होती है, वो तो ठीक है, लेकिन इनके डिजिट में कोई, देखो खास बात है, देखो कोई खास बात हो इनके डिजिट में, दोनों में से एक डिजिट में या दोनों डिजिट में, कुछ लग रहा है खास? यस सर एक 1 1 नहीं आ रहा है, और कुछ? और सर सर एक साइड 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, कि एक सेम सेम आ रहा है। चलो बताता हूँ मैं आपको। आप अगर इस वाले डिजिट को देखो, यूनिट प्लेस वाले डिजिट को देखो, सारे इवन नंबर यस सर है ना, 0 2 4, यस सर या यहाँ ऑड आ ही नहीं सकता है, नहीं तो वो इवन नंबर रहेगा ही नहीं। तो जो आपका इवन नंबर होता है उसकी खास बात ये होती है, उसका यूनिट प्लेस जो होता है ना, वो इवन होना चाहिए, तभी वो नंबर इवन होगा। आपने देखा होगा 13 का भी आपका आता है इवन, नहीं ना आता है 13 नो 15 सर 17? क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपका यूनिट प्लेस जो है वो ऑड है। ओडे तो इवन ऑड कौन डिसाइड करता है? हमेशा यूनिट प्लेस डिसाइड करता है। अगर यूनिट प्लेस आपका ऑड है तो नंबर भी ऑड होगा, यूनिट प्लेस अगर आपका इवन है तो नंबर भी इवन होगा, ठीक है बेटा? तो यस ऑब्वियसली ये वाला डिजिट क्या होना चाहिए सर आपका, अगर इवन नंबर बनाना है मेरे को तो ये डिजिट क्या होना चाहिए? सर ये इवन इवन ही होना चाहिए, मतलब कि तो कितने तरीके हैं मेरे पास इस डिजिट को फिर नंबर साइन करने के इस सेट में से? सर 3 तीन कौन कौन से? ये 4 6 8 तो दो हुए बेटा। नहीं सर 4 6 8 अच्छा, 4 6 8, ठीक है, तीन यस तरीके हो सर गए, 3 वेज। और पहले वाला नंबर, इसको पिक करने के कितने वेज हुए? तो सर इसको तो 5 ही होंगे, क्योंकि ये ऊपर बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास सारे नंबर आ डिजिट सकते है। हैं, रिपीटेशन भी यस अलाउड सर है, तो 5 तरीके हुए। तो कितने टोटल तरीके हुए? 5 गुना 3, 15 तरीके हो गए। इज दैट ओके? यस सर तो अब आपका 15th एग्जाम्पल, आप आराम से उसको एक बार इस तरीके से देखना। ये देखो,
आपका जो 15वां एग्जाम्पल है वो बड़े ध्यान से देखना। इन हाउ मेनी वेज कैन फाइव सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बी अलॉटेड टू सिक्स फाइनल ईयर्स स्टूडेंट्स व्हेन ऑल द फाइव प्रोजेक्ट्स आर नॉट अलॉटेड टू द सेम स्टूडेंट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से आप देखना। अब उसने क्या कहा, आपके पास पांच प्रोजेक्ट है और छह स्टूडेंट है, ठीक है, और एक स्टूडेंट को आप सारे प्रोजेक्ट भी दे सकते हो, ठीक है, रिपीटेशंस के साथ है, लेकिन इस तरीके से देना है कि पांच के पांच प्रोजेक्ट एक ही स्टूडेंट को ना मिल जाए। मतलब एक स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा चार प्रोजेक्ट ही मिल पाए, मतलब कम से कम दो स्टूडेंट को तो प्रोजेक्ट मिले ही मिले, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? तो यस सर अब बेटा ये निकालना तो बड़ा मुश्किल है कि एक स्टूडेंट को चार प्रोजेक्ट मिल जाए, फिर एक स्टूडेंट को तीन प्रोजेक्ट मिल जाए, एक स्टूडेंट को दो प्रोजेक्ट मिल जाए। तो इससे बेहतर तरीका ये होता है कि हम ऐसा कर लें, अब उसने कहा है कि पांच प्रोजेक्ट हैं वो छह स्टूडेंट को देने हैं, तो हम टोटल केसेस फाइंड आउट कर लें, छह स्टूडेंट्स को कितने तरीके से दे दिए जा सकते हैं। बेटा पांच प्रोजेक्ट छह स्टूडेंट्स को, रिपीटेशन अलाउड है। पहला प्रोजेक्ट कितने तरीके से दिया जा सकता है? सर पहला तो एक तरीके से एक स्टूडेंट को दिया जा सकता है। यस बेटा छह स्टूडेंट हैं, मेरे पास छह तरीके ही होंगे ना फिर। हाँ जी मतलब एक के तो सिक्स होंगे। हाँ, दूसरे का भी सिक्स, तो इतने तरीके हैं मेरे पास पांच प्रोजेक्ट देने के, ठीक है। और अब यस उसका सर उसकी इसकी जो रिस्ट्रिक्शन है उसके हिसाब से चलते हैं। बेटा अगर किसी ने कहा मेरे को कि टोटल तरीके इतने हैं, लेकिन ये मेरी रिस्ट्रिक्शन है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो अब अगर आपने ये फाइंड आउट करना है कि ये रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए कितने केस हो सकते हैं, तो आप टोटल में से रिस्ट्रिक्शन वाले केस निकाल दोगे तो आपका डिजायर्ड आ जाएगा ना, जो आप चाहते हो। यस तो मैं रिस्ट्रिक्शन वाले केस फाइंड आउट कर देता हूँ कि कितने तरीके हैं कि सारे के सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो एक ही स्टूडेंट को दिए जा सके। कितने तरीके हैं? सर फिक्स सिक्स तरीके ही हैं बस, है ना, छह यस सर तरीके ही हैं, है ना, कि सारे के सारे प्रोजेक्ट जो यस हैं वो एक ही एक तरीके स्टूडेंट एक ही को स्टूडेंट को दिए जाए। फिक्स मतलब पांचों प्रोजेक्ट एक स्टूडेंट को, या पांचवें प्रोजेक्ट दूसरे स्टूडेंट को, या पांचों प्रोजेक्ट तीसरे स्टूडेंट को, या पांचों प्रोजेक्ट चौथे को, या पांचवे को, या छठे को, तो छह ही तरीके हैं। यस सर तो इसमें से अगर मैं छह माइनस कर दूं तो मेरा आ जाएगा आंसर, है ना, जो मैं चाहता हूं कि मैं छह तरीके जो स्टूडेंट के थे जिसमें सभी प्रोजेक्ट एक ही स्टूडेंट को मिल रहे थे, उतने तरीके मैंने निकाल दिए, माइनस कर दिए टोटल से, तो मेरे बाकी बचे हुए आ जाएंगे ना। यस सर मान लो एक काम करने को 40 तरीके हैं, रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए अगर, तो मैंने पूछा है कितने तरीके होंगे, और रिस्ट्रिक्शन अगर रिस्ट्रिक्शन को ही फॉलो किया जाए तो चार तरीके हैं, तो रिस्ट्रिक्शन के बिना क्या होंगे, 40 माइनस 4 यस 36 ही सर होंगे ना। तो वही चीज ही यस हमने सर की, टोटल में से रिस्ट्रिक्शन वाले जो हैं वो माइनस कर दिए, केस माइनस कर दिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्लियर है। यस सर उसके बाद बेटा सर्कुलर परमुटेशन आती है। सर्कुलर परमुटेशन में ज्यादातर सीटिंग अरेंजमेंट आती है। लेट्स से आप पांच दोस्त हो और आप सर्कल में बैठे हो, ऐसे अरेंजमेंट। तो बेटा किसी एक को आपको फिक्स करना पड़ता है ना हमेशा कि ये पहला होगा यस मेरा, क्योंकि यहाँ पर तो आप कह नहीं सकते ये पहला है कि कौन सा दूसरा है, तो एक आपको फिक्स करना पड़ता है हमेशा, और बाकी के चार इसके आसपास होते हैं, तो इसलिए इसकी कॉम्बिनेशन परमुटेशन हमेशा n माइनस 1 फैक्टोरियल बनती है। इज दैट ओके? हमेशा यस क्या सर बनती है, n माइनस एन 1 माइनस वन फैक्टोरियल, 1 यस फैक्टोरियल। क्लियर है? सर एक कम होंगी हमेशा। तो इसके क्वेश्चंस आप ट्राई करते हैं, अब हम पहला क्वेश्चन ही देखते हैं, नंबर 16। इन हाउ मेनी वेज कैन दीज लेटर ए बी सी डी ई एफ बी अरेंज्ड इन अ सर्कल, ठीक है। तो छह लेटर है हमारे पास,
ए बी सी डी ई एफ, हाँ इनको अरेंज करना है इन अ सर्कल, मतलब एक दो तीन चार पांच और छह, छह पोजीशन होंगी, तो इनको आपने अरेंज करना है। तो कितने तरीके होंगे बेटा? सर, फॉर्मूले के हिसाब से n-1 6-1 हो जाएगा, तो 5 बिल्कुल तरीके होंगे। बिल्कुल, 6 -1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, यस ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका कितना आएगा, 5, ओ 5 × 4 × 3 मल्टीप्लाई थ्री यस सर। मल्टीप्लाई टू 120 होता है, ठीक है। सिक्स यस सर, फैक्टोरियल तक आपके टिप्स पे होना चाहिए, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, इसमें आपको ओके सर। कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो उतना सिंपल यस ना हो आपका। तो 17वां क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज 10 प्रोग्रामर्स, तो 10 प्रोग्रामर हैं, कैन सिट ऑन अ राउंड टेबल टू डिस्कस अ प्रोजेक्ट, सो दैट प्रोजेक्ट लीडर एंड अ पर्टिकुलर प्रोग्रामर ऑलवेज सिट टुगेदर। तो कितने आपके हैं प्रोग्रामर? 10 10। इसमें से एक प्रोजेक्ट लीडर होगा, है ना, इसमें से यस एक ही, सर। इसमें से एक प्रोजेक्ट लीडर होगा, और उसने कहा है कि प्रोजेक्ट लीडर के साथ एक और प्रोग्रामर है जो उसके साथ ही बैठेगा। तो कितने तरीके होंगे, यस लेट्स से एपीएल मान लेते हैं, असिस्टेंट मान लेते हैं उसको, तो कितने तरीके होंगे बेटा? अब क्वेश्चन सर, समझ ये में आ तो गया दो ना? जाने होंगे। यस हाँ, सर। ये 2 जाने हो गए, इनको एक यस यूनिट सर। मानना है। अब हमने 2 पर्सन हो गए, यूनिट एक ही है, तो अब कितने रह गए टोटल, बंडल कितने रह गए एक तरीके से? वैसे 8 रह गए, हाँ, और एक ये यूनिट और नौ उसको हो गए प्लस ना। करके 9 हो गए। यस सर। अब 9 लोगों को हमें एक तरीके से गोले में बिठाता है ना, तो यस सर। कितने होंगे? 9, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 9 -1 9 -1 8। 8 फैक्टोरियल। एक इसके साथ बेटा मल्टीप्लाई करना है 2 फैक्टोरियल, उसका कारण क्या है? अब ये 2 यूनिट बनाए हैं हमने, है ना, 2 यूनिट बनाए हैं ना, 2 का 1 यूनिट बनाया है ना, दो यस सर। लोगों का। तो लेट से यस सर। यहाँ पर आपका लीडर बैठा है, तो जो आपका प्रोग्रामर है वो यहाँ पर भी बैठ सकता है और वो यहाँ पर भी बैठ सकता है ना, यस सर। तो 2 तरीके उसके भी तो है ना, यूनिट को यस भी। सर। जैसे आपने वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की 4 किताबें थी, तो अब बुक 1 पहले आएगी कि बुक 2 पहले आएगी कि बुक 3 पहले आएगी कि बुक 4 पहले आएगी, वो भी तो हमने निकाला था ना, तभी 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किया था हमने। तो यस सर। वैसे ही हमें यहाँ पर भी 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नाइनटीन्थ एग्जाम्पल बेटा करना सॉल्व, ठीक है, ओके सर। नाइनटीन्थ यस सर। एग्जाम्पल, और जितने भी आपके क्वेश्चन हैं इन एक्सरसाइज ट्राई टू सॉल्व देम, ओके सर। ठीक है। इसके बाद हमारा कॉम्बिनेशन शुरू होगा, आई थिंक कॉम्बिनेशन ही रह गया है हमारा टेस्ट में, और पिजन होल तो हमने कर लिया हुआ है, कॉम्बिनेशन हमारा रह जाता है, और कॉम्बिनेशन से पहले हम फंक्शन करेंगे, हमारा एक टॉपिक जो पहले रह गया है, फंक्शन करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल करेंगे। इज दैट ओके बेटा? यस सर। यस सर। ओके बेटा, कोई डाउट कोई पूछना हो पूछ सकते हो आप। सर, एक पूछना था, वो ट्रांजिटिव का।